गुड इवनिंग, नमस्कार। डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी का आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। आई होप आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है इस बार। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो आज के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन डॉक्टर शाह ने डिजाइन की है, दैट इज होपोटोपो मेडिटेशन। और क्योंकि कल सभी का सोल रिग्रेशन हुआ है तो बहुत सी चीजें सरफेस पे आई है, तो इसीलिए आज की मेडिटेशन को होपोटोपो मेडिटेशन कराने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ताकि जो भी बहुत से लोगों का जिनका रिग्रेशन हुआ है और उनकी बहुत से जो भी फाइल्स खुली हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस, जिस भी तरह की हीलिंग इस वक्त आपके सोल को, बॉडी को और माइंड को जरूरत है, वो आज हम ट्राई करेंगे कि हम इस होपोनोपो मेडिटेशन के जरिए उसे हील कर। लेकिन क्योंकि आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, ताकि हम फिर पीसफुली अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। So, सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि एक बार फिर साई करुणा मिशन अपने ऑनलाइन मिनी रिट्रीट के प्रोग्राम के साथ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसमें से कि 3 हीलिंग मोडालिटी सिखाई जाएंगी। ये ऑनलाइन रिट्रीट आज स्टार्ट हो चुकी है। आज की करुणा कर्मा सोल एंड डीएनए हीलिंग की जो हीलिंग मोडालिटी है वो हो चुकी है, बट स्टिल वी हैव 2 मोर हीलिंग मोडालिटीज विच विल बी, द प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड टुमारो एंड डे आफ्टर। कल हमारा साइकिक सर्जरी की क्लास है और उसके बाद हमारा मनी अबंडेंस का कोर्स है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पार्टिसिपेंट्स अभी भी, जिनका ये दोनों कोर्सेस सीखने बाकी है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करिए, अपने आपको रजिस्टर कीजिए और इन दोनों हीलिंग मोडालिटीज को सीखिए। बिकॉज रिग्रेशन के बाद जितनी भी हमारी फाइल्स ओपन होती हैं, जो भी हमारे थॉट पैटर्न्स और मेमोरीज हमारे सरफेस पे आती हैं, उनको हीलिंग की बहुत जरूरत होती है। और ये तीनों ही हीलिंग मोडालिटीज हमें क्लियरेंस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आप नंबर्स देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 3 मेंबर से कॉन्टैक्ट करें और प्लीज अपने आप को रजिस्टर करें। इसके अलावा एक बार फिर साई करुणा मिशन ने एक फिटनेस योगा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, जो कि शाम के सेशंस की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सेशन हमारे टीम मेंबर लेते हैं सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, जिसमें हम डिफरेंट बॉडी लेवल पे जो भी फिटनेस हमारी बॉडी को जरूरत है, जैसे हम शाम के सेशंस में वी फोकस ऑन द एवोल्यूशन ऑफ बेसिकली माइंड एंड सोल, तो वो बैलेंस बनाने के लिए, जैसे कि सर कहते हैं तीनों का एवोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए बॉडी लेवल पे भी अपने आप को फिट रखने के लिए साई करुणा मिशन ने एक और प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, जो पहले बेसिकली वीक में एक बार लिया जाता था, बट अब ये जो प्रोग्राम है ये एवरी डे मॉर्निंग कंडक्ट होता है 6 to 7। सो इसका पूरा लाभ उठाइए और जैसे आप हमारा सहयोग कर रहे हैं इवनिंग सेशंस में, उसी तरह से प्लीज मॉर्निंग सेशंस को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज का जो हमारा मेडिटेशन है ये है होपोनोपो मेडिटेशन। ये बेसिकली एक हवाईन हीलिंग मोडालिटी है, एक हीलिंग टेक्निक है, जो हमारे अंदर शिफ्ट लाने में हेल्प करती है। हमारे अंदर, हम इस मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर एक परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन बेसिकली 3 लेवल्स पे होते हैं, कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे एंड अनकॉन्शियस लेवल। जैसा कि बहुत से सेशंस में माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, तो क्योंकि शिफ्ट हमारे कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल पे लाना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये सबकॉन्शियस और ये अनकॉन्शियस जो हमारा माइंड है, इसमें क्या है। इन दोनों पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज है, हमारे पैटर्न्स है लाइफ के,
जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारे जो भी प्रेजेंट लाइफ है उसकी पास्ट की मेमोरीज हैं, और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारे जितने भी सोल ने हमारे अभी तक बर्थ ली है उन सबकी मेमोरीज है। सो कई बार क्या होता है, जो क्लटर होता है मेमोरीज का, ये हमारे प्रेजेंट लाइफ में बहुत से नेगेटिव थॉट्स, बहुत से नेगेटिव इमोशंस लेके आती है ये मेमोरीज। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम इन सारी मेमोरीज को हील करें, इनको क्लियर करें। सो ये जो आज होपोनोपो मेडिटेशन है, ये हमारे इस मेमोरीज के क्लियरेंस में बहुत हेल्प करती है और अल्टीमेटली हमारे को शिफ्ट लाने में लाइफ में हेल्प करती है। इस मेडिटेशन में आई होप बहुत से पार्टिसिपेंट्स को ये बात पता है कि क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन मेडिटेशन है, तो इस मेडिटेशन में हम चार मैजिकल वर्ड्स को यूज करते हैं, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। जब हम कहते हैं आई एम सॉरी, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जितनी भी हमारी गलतियां हैं, जितनी भी हमारी मेमोरीज में, मेमोरी का वो पार्ट है जिसमें कि हमें लगता है कि हमसे कुछ गलत हुआ है या हमने कुछ गलत किया है, तो सबसे पहले हम अपनी उन गलतियों को पहचानते हैं, उन्हें अक्नॉलेज करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, जो एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट है। दूसरे में गलती निकालना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप की गलती को पहचानना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस मेडिटेशन में हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो है हम अपनी ही गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि हमने गलत किया और इसलिए हम आई एम सॉरी बोलते हैं। एक बार जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें एक्नॉलेज कर लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं कि ये गलतियां हम ही ने की हैं, तो हम उन गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्लीज फॉरगिव। ये इन दो वर्ड्स का रेलिवेंस है। अगर थर्ड वर्ड हम देखें तो वो है आई लव यू। क्योंकि हम सभी स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल पाथ में है, सो हम सभी को पता है कि हम सबका जो अल्टीमेट गोल है, जो अल्टीमेट पर्पस है, वो ये है कि लाइट और लव में तब्दील होके हमें इस यूनिवर्स में लीन हो जाता है, इसी में डिजोल्व हो जाता है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम हर एक चीज से अनकंडीशनल लव करें, चाहे वो छोटा सा छोटा एलिमेंट हो या बड़ी से बड़ी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग हो, हमें हर चीज को आई लव यू कहना है, तभी हम अपना वो जो अल्टीमेट एम है लाइट और लव में कन्वर्ट होने का, वो हम अचीव कर पाए। द लास्ट वर्ड इज थैंक यू, कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड। जो भी आज हम देख रहे हैं, चाहे वो हमारी लाइफ में सफरिंग है, हैप्पीनेस है, सोरो है, पेन है, ग्रीफ है या जॉय है, ये सब कुछ हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से मिल रहा है। सो जो भी लोग हमें ये एक्सपीरियंसेस देने में हेल्प कर रहे हैं, हमें उन्हें थैंक यू बोलना है। बिकॉज जो भी हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है वो बेसिकली हमारी कार्मिक साइकिल को क्लियर कर रहा है, चाहे वो एक्सपीरियंस हमारे लिए आज के लिए अच्छा है या बुरा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस लेके हम अपने कर्मा की साइकिल से उन्हें क्लियर कर रहे हैं, उनसे ऊपर उठ रहे हैं। इसीलिए हमें हर किसी को थैंक यू कहना। लास्ट में जो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि इन चार शब्दों का जो यूज है हम दो तरह से कर सकते, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो भी आज हम देख रहे हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कहीं ना कहीं या तो हमारे पास्ट के कर्मास या फिर हमारी प्रेजेंट लाइफ में जितने भी कर्मास हमने अक्यूमुलेट किए हैं, उन्हीं की वजह से आज जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे स्वयं के कर्मास की वजह से, आज अगर हमारी सफरिंग्स है तो वो भी हमारी खुद की वजह से। सो एक तरीका इस मेडिटेशन को करने का ये हो सकता है कि हम अपनी खुद की गलतियों को पहचान कर स्वयं को ही सॉरी बोल रहे हैं, हम अपने स्वयं से माफी मांग रहे हैं। अगर आज हम कोई इमोशनल लेवल या हेल्थ लेवल या फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, कुछ भी अगर हमारी सफरिंग है और वो हमारी ही वजह से है, तो हम सबसे पहले स्वयं को, स्वयं से माफी मांगते हैं, हम खुद को कहते हैं आई एम सॉरी और खुद ही से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम खुद को फॉरगिव करें। उसी तरह से जब लव की भी बात आती है तो हम दूसरों को अनकंडीशनल लव तभी कर सकते हैं जब हम खुद को लव करें। दूसरों को लव करने से पहले सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम खुद को भी लव करते हैं। तो जब हम आई लव यू कहते हैं तो इस शब्द को भी हम अपने लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और थैंक यू भी हम खुद को कह सकते हैं। ये एक तरीका है इन चार शब्दों को समझने का। और दूसरी ओर आप इन चार शब्दों को किसी भी
अलग इंडिविजुअल किसी भी इंसान किसी भी इमोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो जब हम मेडिटेशन करेंगे उस दौरान जो भी फ्लो के साथ आएगा, अगर आपको लगता है कि ये चार शब्द इस समय आप अपने स्वयं के लिए यूज कर रहे हैं, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन चारों शब्दों को अपने खुद के ऊपर फोकस करके मेडिटेशन कीजिए। और अगर फ्लो के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि उस समय आपके जहन में आपके दिमाग में आपके मन में या आपके हार्ट में कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है या कोई ऐसा इंसिडेंट आता है या कोई ऐसा इमोशन आता है जिसको आपको हील करना है, तो आप इन चारों शब्दों को उस सिचुएशन उस पर्सन उस इमोशन की तरफ फोकस करिए। जिस भी तरफ आप इन चारों शब्दों को ले जाएंगे वो पार्ट आज आपका हील हो जाए। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब मेडिटेशन होगी आपकी जिस तरह की फाइल खुली होगी ये चारों शब्द उसी तरफ खुद ही फोकस हो जाए। सो इस बहुत शॉर्ट से एक्सप्लेनेशन के बाद अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाएं और अब हम ये 27 टाइम्स हम आज ये होपोनोपो मेडिटेशन करने वाले हैं। जब मैंने सर से 27 टाइम्स का 27 नंबर का रेलेवेंस पूछा तो सर ने मुझे एक बात शेयर की जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये मेडिटेशन एक शिफ्ट लाती है, परिवर्तन लाती है। सो अगर हम इस मेडिटेशन को 9 टाइम्स करेंगे तो हमारा कॉन्शियस लेवल का जो माइंड है, जो हमारा इमीडिएट एक्शन या हमारा इमीडिएट रिएक्शन आता है उसमें शिफ्ट होगा। अगर हम इसी मेडिटेशन का 27 टाइम्स अगर हम 27 टाइम्स होपोनोपो मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट ला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से मेरा मतलब है प्रेजेंट लाइफ की जितनी भी प्रेजेंट लाइफ की जो पास्ट की मेमोरीज है उसमें शिफ्ट आएगा। और अगर हम इसी मेडिटेशन को 108 टाइम्स करते हैं 108 बार करते हैं तो हम अपने अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पे शिफ्ट लेके आते हैं, परिवर्तन लेके आते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पर शिफ्ट आज हम ला पाए। सो मैं एक म्यूजिक लगाने का ट्राई करती हूँ तो उस म्यूजिक के साथ हमारा मेडिटेशन और भी इजी हो पाएगा। ये म्यूजिक हमें हेल्प करेगा और भी टू गो डीपर एंड डीपर। रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मुझे बताएं कि आप म्यूजिक का वॉल्यूम ठीक है, क्या आप लोग को सुनाई दे रहा है और साथ ही मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है। ओके, कैन यू हियर माय वॉइस और शुड आई लोअर द वॉइस ऑफ द म्यूजिक? ओके, परफेक्ट। अब ठीक है? चाहे तो आप लेट सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल पोस्चर है आप वो ले लीजिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जेंटली क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। धीरे
अपने श्वासों पर लाए। वेरी जेंटली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे से अपने श्वासों को अंदर की ओर खींचो। Continue this process, breathing. अपनी श्वासों को इस तरह अंदर आने दे जैसे कि आपके सामने बहुत सारे खूबसूरत फूल रखे और आप उन फूलों की खुशबू को निश्चित दर पर वेरी जेंटली एंड वेरी स्लोली स्पेंड द फ्लावर्स। ऐसे बाहर की ओर छोड़ बाद आपके साथ अनेकों मोमबत्तियां या एक साथ बुझाना चाहिए। स्मेल द फ्लावर्स जितनी ज्यादा आपकी सांसें और गहरी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर अलाउ दिस ऑक्सीजन टू स्प्रेड इच पार्ट श्वासों को धीमा और गहरा अपने शरीर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकालने का प्रयास। कंटिन्यू दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। धीरे धीरे
आपका शरीर स्थिर होता Allow your body to relax. Move right. जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी श्वासों की ओर बढ़ रहा है, आपके सभी विचार शून्य हो रहे हैं। और इन विचारों के शून्य होते ही आपका मन शांत अवस्था में प्रवेश कर रहा है। श्वासों के इस आवागमन में आपके मन को पूरी तरह से शांत कर दिया है और आपका शरीर भी शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे आपकी जागरूकता बढ़ने लगी है। अपनी इस बढ़ती हुई जागरूकता को महसूस कीजिए। फील दिस अवेयरनेस विच इज राइजिंग मोर एंड मोर इन यू इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस शांत मन, शिथिल शरीर और बढ़ती हुई जागरूकता के साथ कल्पना कीजिए, विजुअलाइज दैट डिवाइन ब्राइट ग्रीन लाइट, हरे रंग की दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से
आपके शरीर में आपके क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही है। यू कैन फील दिस डिवाइन लाइट एंटरिंग योर बॉडी थ्रू योर क्राउन चक्र। देखिए कैसे ये हरे रंग की दिव्य ऊर्जा आपके ऊपर के तीनों स्पिरिचुअल चक्रास को भेदते हुए उन्हें क्रॉस करते हुए आपके हार्ट चक्रा तक पहुंच गई है। धीरे धीरे हरे रंग की यह दिव्य ऊर्जा आपके पूरे अनाहता चक्र में आपके हार्ट चक्र में फैल रही है। ये हार्ट चक्र वो चक्र है जो आपके अंदर आपके नीचे के तीन कार्मिक चक्रों को और ऊपर के तीन आध्यात्मिक चक्रों के बीच संतुलन बनाए रखता है। अपने पूरे ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर लाएं और देखें कैसे धीरे धीरे हरे रंग की ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे हार्ट चक्र में फैल गई है और कैसे आपके अनाहता चक्र का विस्तार हो गया है। यू कैन सी एंड यू कैन फील how this divine bright green light has been spread into your entire heart chakra. हरे रंग की ये दिव्य ऊर्जा आपको पूरी तरह से unconditional लव असीम प्रेम के भाव से भर रही। दिस प्रेजेंट मोमेंट यू कैन फील नथिंग बट लव एंड ओनली लव।
अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर बनाए रखें और धीरे से अब अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पर रखें। प्लीज बोथ योर हैंड्स ऑन योर हार्ट चक्र। Feel the flow of unconditional love flowing in your entire mind, body and soul. इस असीम प्रेम को अपने पूरे शरीर में, मन में और अपनी आत्मा में बहता हुआ महसूस करें। बढ़ती हुई जागरूकता के साथ, इस बढ़ती हुई चेतना के साथ अब मेरे साथ साथ इस बात को बोलिए, I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. Sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you.
Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you.
I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. धीरे से अपने ध्यान को अपने आग्नेय चक्र पर ले जाएं, अपने थर्ड आई चक्र पर लाएं। और महसूस करें कैसे इन चार शब्दों ने आपके सभी मेमोरीज को, आपके सभी पैटर्न्स को हील कर दिया है, क्लियर कर दिया है। देखिए एकाएक कितना हल्का महसूस कर रहे हैं आज इस मंत्रा से। आपने अपनी सभी गलतियों को कबूल कर उनके लिए माफी मांग ली है, जिसके लिए आपको पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया है। आपने उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी वस्तुओं को, उन सभी तत्वों को आभार व्यक्त कर दिया है जिन्होंने आपकी इस यात्रा में, इस जर्नी में किसी न किसी रूप में आपकी सहायता की है। आप पूरी तरह से असीम प्रेम के भाव से भर चुके हैं और आप ब्रह्मांड की हर एक उस तिनके से, हर एक उस हिस्से से, हर एक उस क्रिएशन से असीम प्रेम कर रहे हैं।
जो किसी न किसी रूप में आज आपके साथ है। अपने अंदर आए इस परिवर्तन को पूरी तरह से अपने अंदर समाने दीजिए। फील दिस स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विदिन यू। आज आप बहुत सी यादों से, बहुत सी मेमोरीज से, बहुत से थॉट पैटर्न से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। आपने अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से आज क्लियर कर उसे शिफ्ट कर दिया है। आपके इस सफर में हरे रंग की दिव्य ऊर्जा ने जो आपकी सहायता की है उसका आभार व्यक्त कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। अपने सभी चक्रास का धन्यवाद कीजिए। अपने मन का धन्यवाद कीजिए, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए। इन चार मैजिकल शब्दों का धन्यवाद कीजिए जो आपके अंदर आज इस परिवर्तन को लाए हैं। अपनी श्वासों का धन्यवाद कीजिए। अपनी बढ़ती हुई जागरूकता का धन्यवाद कीजिए। बढ़ती हुई चेतना का धन्यवाद कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण अपने मास्टर्स, अपने देवी देवताओं का धन्यवाद कीजिए जिनकी ब्लेसिंग्स से, जिनके आशीर्वाद से आज आप अपने अंदर इस परिवर्तन को महसूस कर पाए। अब धीरे से अपने ध्यान को अपने आग्नेय चक्र से हटाकर वापस अपनी श्वासों पर लाए। और धीरे से तीन बार श्वासों को अंदर की ओर खींचे। और धीरे से इन श्वासों को बाहर की ओर छोड़े। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. अब धीरे से इस प्रेजेंट क्षण में आते हुए, प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। और जब भी आप ठीक समझे, एक मुस्कुराहट के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते
थैंक यू एवरीवन, इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को मैं इस वक्त पूरी तरह से महसूस कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता किस तरह से सर ने इस मेडिटेशन में हम हर एक इंडिविजुअल की डीप लेवल की हीलिंग की है, कि हम में से हर एक पार्टिसिपेंट इस पल में, इस मोमेंट में उस एनर्जी को फील कर पा रहा है। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस सेशन में बने रहे और आखिर तक उस एनर्जी को अपने अंदर फील करने का अपने खुद को एक मौका दिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट से कि कल भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन होने वाला है। जैसा कि पहले भी सभी को बताया गया है कि अब जो भी मेडिटेशंस होते हैं वो इन सीक्वेंस होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक दिन सर ट्राई करते हैं कि हमारी फाइल्स खुले, हमारे सरफेस पे जितनी भी चीजें हैं वो आए, और फिर पूरे हफ्ते में सर प्रयास करते हैं कि हम उन सब चीजों की हीलिंग कर पाए। सो आज हमने अपनी हीलिंग इस होपोनोपो मेडिटेशन के जरिए की है। कल एक और बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन होने वाला है हमारा माइंड लेवल का, जिसपे एक बार फिर हम अपनी इस हीलिंग को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि जो भी हमारा सोल रिग्रेशन हुआ है उसके लिए हमें कंटिन्यूस हीलिंग की बहुत ही जरूरत है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट से कि टाइम पे लॉग इन करें और इन सभी जितनी भी मेडिटेशन हो रही है उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी साथ ही साथ कि इस माइंड और सोल लेवल की एवोल्यूशन के साथ बॉडी लेवल का एवोल्यूशन भी बहुत ही जरूरी है, इसलिए जो हमारे सुबह के जो 6 से 7 बजे तक के फ्री सेशंस हैं उसमें भी जरूर लॉग इन करें और जितने भी सेशंस हैं इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।